बिल्कुल, कई दिनों से मेरी इच्छा थी कि भी मैं हरमिंदर साहब जाऊं और माथा टेकूं, और क्योंकि हर रोज़ कहीं ना कहीं बिजी रहते थे प्रोग्राम पे, तो लेकिन कभी मौका ही नहीं मिलता था। और हर रोज़ मैं सोचता था कि भाई मैं माथा टेकने जाना है गुरुद्वारे, तो मौका नहीं लग रहा। तो आज नम बाजवा जी, मतलब हमारे जो फिल्म आ रही है रेडुआ 2, सो कहते भी हम पूरी टीम के साथ जाएंगे। तो मैंने कहा यार इससे बढ़िया तो काम हो ही नहीं सकता, कि भाई एक तो जैसे बोलते ना, एक काम दो काज, तो इस बार ये वो चीज़ हुई है कि माथा भी टेकने को मिला और मूवी का मतलब एक मैसेज देने को भी मिला, कि भी जो पंजाबी पिक्चर आ रही है और मेरी पहली पिक्चर है ये जो मतलब पंजाबी पिक्चर में कर रहा हूँ। अपने आप को बड़ा अच्छा लग रहा है, पंजाब के जो अपने जो प्यार करने वाले हैं और उनको एक बार फिर पंजाबी पिक्चर पे देखने को मिलेगा। हाँ जी, आपका फिल्म में क्या रोल होगा यार? आप करो, मैं आपको रोल बता दिया, फिर आप जाएंगे फिल्म देखने। बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है, राजे महाराज वाला रोल है मेरा। मैसेज ये कि भी जो आज मतलब आज हम देखते हैं कि जो आज के 50 साल के बाद कैसा दिखेगा, सो वो दिखे वो इस पे है। और बाकी जो हमारे जो हीरो है, ये देखिए आज हम थोड़ा आगे थोड़ा। और ये फिल्म बहुत अच्छा करे, ऐसी वही आशीर्वाद है। जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो प्रमोशन लिए दरबार साहब नू ही आते हैं, अगे पिछे नहीं आते। जबकि जथेदार जी ने मना किया भी प्रमोशन लिए नहीं आना, सिर्फ नतमस्तक होने लिए पहुंचो। की कहना चाहिए? ऐसी प्रमोशन लिए वाकई नहीं आए, जब मैं शुरू की थी ना, तुम मेरा इंस्टाग्राम भी देखते हो। जो शुरू की थी उदो भी मत्था टेकन आए थे, अज रिलीज हो रही उदो मत्था टेकन आए। सो की मैसेज दें फिल्म में, की मैसेज दिता जा रहा है? सर मैसेज इदा है कि टाइम मशीन उत्ते पहली फिल्म है, साइंस फिक्शन है, पंजाब वास्ते पंजाबी फिल्म वाली एक अलग उड़ान है। और आर्टिस्ट थोड़े सामने नगरेट कली जी, मायरा जी, नमन अंजरा, और भी बड़े आर्टिस्ट ने इतने, सो देखियो जो पसंद है। आशीर्वाद लेने जाने देंगे आप, तो आशीर्वाद लेके आ जाएंगे। चलिए अंदर चलिए। फिल्म में केड़ा केड़ा मैं ये चाहनी हूँ तुसी सारे 22 नवंबर नु जाके देखो, ते बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म आ, टाइम ट्रैवल दे उपर आ, पंजाबी इंडस्ट्री ने पहली बार कोई नया कुछ ट्राई किया, ते जाके देखो और अपना आशीर्वाद दो। बिल्कुल, कई दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं हरमिंदर साहब जाऊँ और माथा टेकूँ, और क्योंकि हर रोज़ कहीं ना कहीं बिजी रहते थे प्रोग्राम पे, तो लेकिन कभी मौका ही नहीं मिलता था। और हर रोज़ मैं सोचता था कि भाई मैं माथे टेकने जाना है गुरुद्वारे, तो मौका नहीं लग रहा। तो आज नम बाजवा जी, मतलब हमारे जो फिल्म आ रही है रेडुआ 2, सो कहते भी हम पूरी टीम के साथ जाएंगे। तो मैंने कहा यार इससे बढ़िया तो काम हो ही नहीं सकता, कि भाई एक तो जैसे बोलते ना, एक काम दो काज, तो इस बार ये वो चीज़ हुई है कि माथा भी टेकने को मिला और मूवी का मतलब एक मैसेज देने को भी मिला, कि भी जो पंजाबी पिक्चर आ रही है और मेरी पहली पिक्चर है ये जो मतलब पंजाबी पिक्चर में कर रहा हूँ। अपने आप को बड़ा अच्छा लग रहा है, पंजाब के जो अपने जो प्यार करने वाले हैं और उनको एक बार फिर पंजाबी पिक्चरों पे देखने को मिलेगा। हाँ जी, आपका फिल्म में क्या रोल होगा यार? आप करो, मैं आपको रोल बता दिया, फिर आप जाएंगे फिल्म देखने। बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है, राजे महाराज वाला रोल है मेरा। मैसेज ये कि भी जो आज मतलब आज हम देखते हैं कि जो आज के 50 साल के बाद कैसा दिखेगा, सो वो दिखे वो इस पे है। और बाकी जो हमारे जो हीरो है, ये देखिए आज हम थोड़ा आगे थोड़ा। और ये फिल्म बहुत अच्छा करे, ऐसी वही आशीर्वाद है। जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो प्रमोशन लिए दरबार साहब नू ही आते हैं, अगे पिछे नहीं आते। जबकि जथेदार जी ने मना किया भी प्रमोशन लिए नहीं आना, सिर्फ नतमस्तक होने लिए पहुंचो। की कहना चाहिए? ऐसी प्रमोशन लिए वाकई नहीं आए, जब मैं शुरू की थी ना, तुम मेरा इंस्टाग्राम भी देखते हो। जो शुरू की थी उदो भी मत्था टेकन आए थे, अज रिलीज हो रही उदो मत्था टेकन आए। सो की मैसेज दें फिल्म च, की मैसेज दिता जा रहा है? सर मैसेज इदा है कि टाइम मशीन उत्ते पहली फिल्म है, साइंस फिक्शन है, पंजाब वास्ते पंजाबी फिल्म वाली एक अलग उड़ान है। और आर्टिस्ट थोड़े सामने नगरेट कली जी, मायरा जी, नमन अंजरा, और भी बड़े आर्टिस्ट ने इतने, सो देखियो जो पसंद है। आशीर्वाद लेने जाने देंगे आप, तो आशीर्वाद लेके आ जाएंगे। चलिए अंदर चलिए। फिल्म में केड़ा केड़ा आज
मैं ये चाहनी हूँ तुम सारे 22 नवंबर जो जाके देखो, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म आ, टाइम ट्रैवल के उपर आ, पंजाबी इंडस्ट्री ने पहली बार कोई नया कुछ ट्राई किया, तो जाके देखो और अपना आशीर्वाद दो।